नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज ललन सिंह पहली बार पटना आ रहे हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह के स्वागत में भव्य तैयारी की गई है, और इतना ही नहीं, जेडीयू की तरफ से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह के आते ही विरोधियों की पॉलिटिकल सर्जरी की जाएगी। आपको बता दें कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही अपने फॉर्म में आ गए हैं, और कई तरह की तैयारी ललन सिंह के तरफ से भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह कई तरह के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी पार्टी को किस तरह से नंबर वन बनाया जाए इसको लेकर भी ललन सिंह पूरी तरह से कमर कस के तैयारी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार ललन सिंह पटना आ रहे हैं। ललन सिंह के स्वागत में एक ओर जहां तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता नीरज कुमार ने ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। नीरज ने कहा कि ललन सिंह राजनीतिक सर्जरी के मास्टर है, राजद कांग्रेस को अच्छी तरह से ये बात मालूम है। तेजस्वी यादव के नेता रहते ही राजद में टूट हुई, इसकी जानकारी सबको है। ललन सिंह के सक्रिय होते ही राजनीतिक दलों में हड़कंप की स्थिति हो जाती है। नीरज कुमार ने कहा कि राजद के लोगों को मालूम है कि ललन सिंह क्या कर सकते हैं। हमारा दल यूनाइटेड है, जिसमें किसी तरह की सेंध नहीं लग सकती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुराने साथियों और युवाओं को लेकर आग्रह किया है, लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई है। अगर बिहार बहुत आगे चला गया है, किसी तरह का खौफ नहीं है। पटना आने पर ललन सिंह का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। ललन सिंह को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह के आने के बाद बिहार की राजनीति में खौफ का माहौल रहता है। विरोधियों को यह समझ नहीं आता कि कब कहां किस में दरार पड़ेगा, और उस दरार का प्रतिफल किसे भोगना पड़ेगा। बिहार विधान परिषद में राजनीतिक ब्रेक आरजेडी को लगा है। तेजस्वी यादव को ललन सिंह का पॉलिटिकल सर्जरी का एहसास जरूर होगा, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में रहने के बावजूद बिहार विधान परिषद में आरजेडी में टूट हुआ था। दरअसल यह विवाद उस वक्त तूल पकड़ा है जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 से 25 वर्ष के उम्र के युवा साथियों, आप लोगों ने जब से होश संभाला है सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के सुशासन को ही देखा है। 1990 से 2005 के दौर की रूह कांपने वाला जंगल राज ना देखा होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर और आसपास के बुजुर्गों के पास बैठकर उन दिनों की घटनाओं को जान लीजिए। इसके जवाब में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि ललन सिंह पहले अपने कुनबे को बचा लें, क्योंकि उनके कुनबे में बिखराव साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच कहा तो ये जा रहा है कि ललन सिंह के आते ही विरोधियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ललन सिंह राजनीति के माहिर है, उन्हें दांव पेच खेलना आता है। और यही कारण है कि जेडीयू की तरफ से कई सारे दावे भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज ललन सिंह पटना पहुंच रहे हैं, और उनके स्वागत में कई तरह की तैयारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप जंगल राज के समय को अगर याद कीजिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार ललन सिंह पटना आ रहे हैं, उनके लिए कई तरह के स्वागत की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ इस वक्त जेडीयू में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।